हेलो एवरीवन, हे आई एम जेरी एंड आई एम अ गेमर। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन एश ग्रे। ये गेम बेस है पोकेमोन एनिमे सीरीज के ऊपर। तो ये गेम बेसिकली होने वाला है पोकेमोन के एपिसोड्स जैसे, और इसमें हम बैचेस भी कलेक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गेम की शुरुआत में हमें कुछ डिटेल्स प्रोफेसर ओक से मिल रही है। तो ये हमारा कैरेक्टर है जिसके साथ हम ये गेम खेलने वाले हैं। तो इसका नाम, जैसे कि एनिमे सीरीज में ऐश था, हम ऐश ही रखने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं करने वाले। तो हमने इसका नाम ऐश रख दिया है। और ये है प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन। ये राइवल है ऐश का, का नाम हम गैरी रखने वाले हैं जैसे कि सीरीज में था। तो पोकेमोन की दुनिया में अब हम एंटर करने वाले हैं। तो शुरू होता है ये गेम। ये है ऐश का बेडरूम। तो अब हम नीचे जाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ऐश की मम्मी आके हमें बोल रही है कि ये बहुत लेट हो चुका है और हमें सोना होगा, क्योंकि कल हमें पोकेमॉन्स लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो पहले तो हम सो जाते हैं। ओके, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम क्लोथ्स। तो अब हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम सोते हैं। ओके, सपने में हमें सबसे पहले बल्बसौर दिखाई दे रहा है और फिर स्क्वाटल और फिर चार्मेंडर। ओके, तो हम उठ चुके हैं अभी नींद से। तो चलो नीचे जाके देखते हैं। पहले तो हम ऐश की मम्मी के साथ बात कर लेते हैं। ऐश की मम्मी हमें बता रही है कि अब हम लेट हो चुके हैं और हमें जल्दी से प्रोफेसर ओक के लैब में जाना होगा और उनसे हमारा पोकेमोन लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। तो अब हम घर से बाहर निकलने वाले हैं। ये पैलेट टाउन है और प्रोफेसर ओक की लैब हमें ढूंढनी है। ओके, हमें प्रोफेसर ओक की लैब मिल चुकी है। अब हम अंदर जाके चेक करने वाले हैं। तो ये हमारा राइवल गैरी है और उसे अपना पोकेमोन मिल चुका है। Thank you.
और ये है स्क्वाटल और शायद ये भी एम्प्टी है। हाँ ये भी एम्प्टी है। तो प्रोफेसर ओक हमें बता रहे हैं कि सब लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है अपने पोकेमॉन्स के साथ और एक बचा है पोकेमॉन, तो वो हम लेने वाले हैं और ये पोकेमॉन पिकाचू है। पिकाचू है तो हमें पिकाचू मिल चुका है और मुझे इसे निकलना नहीं रहा। चुके हैं पर पिकाचू उससे फाइट नहीं कर रहा और हमारी कुछ भी बात नहीं सुन रहा है और पिज्जी उड़ गया। स्पैरो ने अपने बाकी दोस्तों को बुला लिया है और अब हमें भागना होगा।
आ रहे हैं, इसलिए अब हम फाइट नहीं करने वाले, हम भागने वाले हैं। तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब हम पानी में कूदने वाले हैं। तो अब हम स्विम करके दूसरे साइड पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक लड़की है। तो उसने हमें दूसरे टाउन में जाने के लिए एक साइकिल दे दी है और सामने स्पैरो का पूरा एक ग्रुप आ चुका है और ऐश पिकाचू को प्रोटेक्ट कर रहा है। और सडनली पिकाचू पोकेबॉल के बाहर आ चुका है और थंडर शॉक यूज कर दिया है सबके ऊपर। और हमें अब हो दिख रहा है, जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो हमारे पिकाचू की हेल्थ बहुत कम है, इसलिए हम पोकेमॉन सेंटर जाने वाले हैं। तो ये एक इंस्पेक्टर है और ये हमें पोकेमॉन सेंटर लेके जाने वाले हैं। तो अब हम पोकेमॉन सेंटर पहुंच चुके हैं और हम पिकाचू का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। फाइनली अब हमारा पिकाचू ठीक हो चुका है और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे सडनली तीन रॉकेट आ चुकी है और इनका फेमस डायलॉग स्टार्ट हो चुका है। तो इन्हें हमारा पिकाचू चाहिए और अब हम इनसे फाइट करने वाले हैं।
इज़्ज़त को हरा दिया है और अब हम दूसरे पोकेमॉन से लड़ने वाले हैं। और टीम रॉकेट का दूसरा पोकेमॉन है कॉफी। तो हमने टीम रॉकेट को हरा दिया है और हमारा पिकाचू पोकेबॉल से बाहर आ चुका है और पिकाचू ने थंडर शॉक यूज करके टीम रॉकेट को यहां से भगा दिया है। So like, share and subscribe to this video. जल्दी ही नए वीडियोज आ जाएंगे।